मानव बादलों का एक समूह ज्वालामुखी की छाया में चला था। वो भी दो पैरों पर। हम इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस या दक्षिणी बंदर कहते हैं। हम नहीं जानते कि ये दो पैरों पर कैसे चलने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा होना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों ने जंगलों की जगह ली। बाबू, हे, कारण चाहे जो, चार पैरों की तुलना में दो पैरों पर खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार और जटिलता बढ़ने लगी। वे बंदरों की क्षमता से परे जाकर सोचने लगे। शायद किसी आदि मानव ने यूं ही पत्थर से फली को मारा होगा और वो टूट गया। और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उनकी याददाश्त बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को ही तोड़ना शुरू किया और उन्हें नुकीला बनाया ताकि उनका इस्तेमाल फली तोड़ने के साथ साथ मांस काटने में भी हो सके। हम इन्हें होमो या मानव कहते हैं। उन्हें नए औजारों से अन्य जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस को काटने में मदद मिली। मांस खाने से उन्हें अधिक प्रोटीन मिलने लगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण उनके मस्तिष्क के आकार बढ़ गए। उनकी तादाद बेशक कम नहीं होगी मगर वे परिस्थितियों से अनुकूल होने में वानरों से अधिक सक्षम थे और वे अफ्रीकी जंगल वाले इलाकों से बाहर जाने लगे। आदि मानव को मांस की तलाश में वह जाना पड़ता था जहां अन्य शिकारी थे। लगभग 20 लाख साल पहले होमो की एक नई प्रजाति उभरने लगी। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दूर तक चल सकते थे और इस प्रकार शत्रुओं से भी बच सकते थे। मध्य पूर्व और एशिया में पाए गए जीवाश्मों से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में वे अफ्रीका से बाहर फैलने लगे। जैसे जैसे वे नई जगहों पर गए उन्होंने नए हुनर सीखे। उनके औजार बेहतर हुए जिनसे उन्हें मांस काटने में मदद मिली। खुले वातावरण उनके बाल काम घने होने लगे। शिकार तक तुरंत पहुंचने के लिए शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें पसीने आने लगे क्योंकि उनमें अन्य जानवरों की तुलना में ज्यादा ग्रंथियां थी। कुछ साक्ष्यों के अनुसार शायद वे आँख का इस्तेमाल भी करते थे और उनके दिमाग बढ़ते हुए लगभग आज के हमारे मस्तिष्क के आकार के हो गए। लगभग 7 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नया समूह विकसित हुआ जिसे हम होमो हाइड्रोबर्गेंसिस या हाइड्रोबर्ग मैन कहते हैं। उनके शरीर अधिक बड़े और मांसपेशी वाले थे ताकि वे विभिन्न जलवायु में रह सके। अब वे सिर्फ मरे हुए जानवर ही नहीं खाते थे बल्कि खुद भी शिकार करने लगे। मामूली औजारों की जगह हाथ की कुल्हाड़ियों ने ले ली। वे पत्थर की नुकीली नोक और धार धार चाकू बनाना जान गए और शायद लकड़ी के भाले भी। एवोल्यूशन यानी उद विकास की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रही। हजारों सैकड़ों सालों के दौरान हमारे पूर्वज अफ्रीका के बाहर यूरोप और एशिया में फैले। होमो हाइड्रोबर्गेंसिस से कई नई संबंधित प्रजातियां विकसित हुई। उनकी शारीरिक विशेषताएं एक समान थी लेकिन उनमें से कोई भी आधुनिक मानव की तरह नहीं था। इन प्रजातियों में हम सबसे ज्यादा होमो नियंडरटॉलेंसिस यानी नियंडरटॉल के बारे में जानते हैं जो हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। उनके शरीर छोटे और गठीले थे और वे
ठंड सह सकते थे। उनके कंधे चौड़े, आंख छोटे और नाक काफी बड़े थे। वे आधे पोशाक पहनते थे। वे पहले से बेहतर औजारों का इस्तेमाल करते थे और पत्थर काटने से पहले औजार का आकार तय कर लेते थे। वे शायद किसी आदिम भाषा में बातचीत करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उन्होंने आग जलाना और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया था। हमारे पास नियंडरटॉल के समय के पुरातत्व प्रमाण ज्यादा है। नियंडरटॉल की जीवाश्मिक हड्डियों के फ्रैक्चर और जख्मों से हमें पता चलता है कि इनके जीवन मुश्किल भरे थे। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी उम्र लंबी भी हुआ करती थी। नियंडरटॉल और उनसे संबंधित प्रजातियों का लाखों साल तक अफ्रीका के बाहर दबदबा था। यूरोप से इंडोनेशिया तक अलग अलग वातावरण को सहते हुए सफलतापूर्वक रह सकते थे। लगभग 7000 साल पहले अफ्रीका में विकसित एक नई प्रजाति बाहर फैलने लगी। ये पहले आधुनिक मानव थे जिन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं। कुछ समय तक ये विभिन्न प्रजातियां साथ साथ रही। हमारे पास साक्ष्य हैं कि वे संकरित थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे, जैसे गहने बनाने और इन्हें पहनने के तरीकों के बारे में। उन्होंने पोशाक के लिए जानवर की खाल का इस्तेमाल किया होगा। फिर नियंडरटॉल लुप्त होने लगे, शायद इसलिए क्योंकि उनके मांसपेशियों वाले शरीरों को जरूरत पड़ती थी अधिक भोजन की। आधुनिक मनुष्य लंबे लेकिन कम वजन के थे। उनके बच्चे देर से व्यस्त होते थे, इससे उन्हें विकसित होने और सीखने के लिए ज्यादा समय मिलता था। उन्हें चिंतन की क्षमता आ गई थी। वे नियंडरटॉल की तुलना में बेहतर तरीके से शिकार और भोजन इकट्ठा कर सकते थे। उन्होंने हैंडल युक्त औजार, बेहतर भाले, छेद वाली सुई, आंखों और गहने बनाए। वे ठंडे मौसम में अनुकूल कपड़े पहनने लगे और पहली बार जूते का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रजनन के प्रतीक में महिलाओं की मूर्तियों की नक्काशी की, गुफाओं में चित्र बनाए और हाथी के दांतों या चिड़ियों की हड्डियों से बांसुरी बनाई। उन्होंने आग का अधिकतम प्रयोग और नियंत्रण करना सीखा। आदिम चूहों के पुरातात्विक खोजों से हमें पता चलता है कि वे पारिवारिक समूह में रहते थे। आग हर समय मौजूद रहती थी, उन्हें उससे गर्मी और रोशनी मिलती थी और जंगली जानवरों से बचाव भी होता था। उन्होंने ऐसी स्थितियां बनाई ताकि वे अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा जान सके। जीवन के बाद क्या होता है, ये होमो सैपियंस के लिए बड़ा सवाल था। एक लाख साल पहले मध्य पूर्व में साफ सफाई के लिए मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। हो सकता है अन्य क्षेत्रों में मुर्दों को जलाया जाता होगा, जिस कारण पुरातत्वविदों के पास इसकी कोई सबूत नहीं है। तकरीबन 40,000 साल पहले होमो सैपियंस ने इस प्रक्रिया में कुछ रस्मों को शामिल किया, मसलन शवों को सजाना और कब्र में प्रतीकात्मक वस्तुओं को रखना। लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में एक नया अध्याय खुला, कृषि और पालतू जानवरों के साथ बसा हुआ मानव समुदाय। इस समय से हमें मिट्टी के बर्तनों के सबूत मिले हैं जो खाना पकाने और उसे रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। बिल्कुल वैसे ही हमें सबूत मिले बुनी हुई टोकरियों के। औजार और हथियार बनाने के लिए धातु कार्य भी प्रचलित था। मानव अपने अस्तित्व के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चित्रों, गीत संगीत और लिखित शब्दों के प्राचीन रूपों का इस्तेमाल करता था। शिकारी गांवों में बसने लगे और वे गांव मानव संस्कृति के उद्गम स्थल बन गए। लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की आबादी 10 लाख से भी कम थी। होमो सैपियंस के आने से ये सब बदल गया। हम दुनिया के हर कोने में फैल गए।
जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती और फैलती गई, स्थानीय समूह विकसित हुए और जैविक विविधता बढ़ी। वातावरण में आने वाले लगातार बदलावों के मुताबिक हम अपने आप को ढालते गए, इससे और अधिक विविधता है। यह प्रक्रिया जारी है। मानव जाति निरंतर बदलाव की राह पर बढ़ी।